हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग गुड। हमने स्टूडेंट्स ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए जो अपना सेशन वन था वो कंडक्ट किया था। आई होप आप लोगों ने स्टूडेंट्स वो क्लास ज़रूर देखी होगी। आज हम अपना सेशन टू रखने जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस मैं स्टूडेंट्स आज आपके लिए प्रिपेयर करके लाया हूँ बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। एक जो स्ट्रक्चर जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, आज मैं आपको फिर से समझाऊंगा वो स्ट्रक्चर और उस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। कोशिश स्टूडेंट्स हमारी ये रहनी चाहिए कि इस क्लास को जितना इंटरेक्टिव बनाया जा सके मेरे एंड से और आपके एंड से स्टूडेंट्स, वो उतना ही बेटर हो पाएगा। ठीक है, तो यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एओ प्लस एपीएफसी 2023 का जो एग्ज़ाम है उसमें जो स्टूडेंट्स करंट और जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है उसके लिए हम इस सीरीज़ को शुरू कर चुके हैं। सबसे पहला जो हमारा क्लास आई थी उसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, आपको समझाया था कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में, एग्जामिनर किस तरह के पैटर्न को फॉलो कर सकता है, और उसके बाद फर्स्ट सेशन से हमने स्टूडेंट्स वो पैटर्न के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए थे। ठीक है, अब मेरा नाम है स्टूडेंट्स अभिनव जोशी। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ वो पैटर्न। तो स्टूडेंट्स तीन कैटेगरीज में मैं आपको क्वेश्चन, फर्स्ट सेशन में भी हमने ऐसा किया था, आज भी हम ऐसा करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी मिसलेनियस न्यूज और इवेंट्स के क्वेश्चन को भी आपको दिखाता हूँ कैसे होंगे, फिर नेशनल न्यूज एंड इवेंट्स के क्वेश्चन को, और उसके बाद स्टूडेंट्स आएगा ग्लोबल न्यूज एंड इवेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन में भी हमने ऐसे किया था, पहले इस सेक्शन के क्वेश्चन, फिर इस सेक्शन, फिर इस सेक्शन, ये होगा हमारा मतलब आप कह सकते हो पाथ फॉलो। ठीक है, इस क्लास में भी हम ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स। आप लोगों ने कोशिश करनी है साथ के साथ सारे क्वेश्चंस को लाइव चैट में अटेम्प्ट करते चलो। एक क्वेश्चन से अगर मतलब मुझे उस न्यूज़ को पढ़ के अगर और कोई क्वेश्चन याद आए कि ऐसा भी बन सकता है, मैं स्टूडेंट्स आपसे वो भी ज़रूर पूछूंगा, आपने उसको भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं। तो सबसे स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात बता दूँ, प्रीवियस ईयर ईपीएफओ एग्जाम्स में अभिपीडिया ने पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स रिजल्ट डिलीवर किया, और हम इस रिजल्ट को और बेटर बनाना चाहते हैं, जिसमें थोड़ी मेहनत हमारी तरफ से लगेगी स्टूडेंट्स, थोड़ी मेहनत आपकी तरफ से लगेगी। आपको भी जो अपने लिए सिलेक्शन चाहिए उसके लिए भी थोड़ा आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा हमको हार्डवर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हम अपने रेगुलर होमवर्क कर रहे हैं, रेगुलरली जो जो चीज़ों पर मेहनत करनी है, जो रिसर्च करनी है उसको कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी आपको अपना एंड संभालना है। ठीक है, जो जो स्टूडेंट सपोर्ट लगेगा वो हम अपने से जरूर देंगे। तो बहुत ही अच्छी सिलेक्शंस के साथ हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, और अगले रिजल्ट्स भी हम चाहते हैं बहुत अच्छी सिलेक्शंस के साथ रहे। जो स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट लाइव, तो ये एक लाइव कोर्स है, ठीक है, ऐसा नहीं रिकॉर्डेड, लाइव कोर्स जो हमारा कंप्लीट है जिसमें हम इन एग्जाम्स को कवर करेंगे, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स आपको इन नंबर्स पे अवेलेबल हो जाएगी। 7th of March से ये लाइव बैच जो स्टूडेंट्स ये शुरू हो चुका है, लाइव क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आपको इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। अभी स्टूडेंट्स इस कोर्स पे बहुत ही अच्छा ऑफ भी चल रहा है, तो आपको एक बहुत ही बजट फ्रेंडली अमाउंट में ये कोर्स अभी अवेलेबल हो रहा है, तो आप इसको ज़रूर चेक करो, अभी बेस्ट टाइम है इस कोर्स को अवेल करने का। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना फर्स्ट कैटेगरी मिसलेनियस न्यूज़ / इवेंट्स। मिसलेनियस न्यूज़ और इवेंट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने एक चीज़ पूछी थी कि हम कितने मंथ्स को कवर करेंगे, तो स्टूडेंट्स आप ये मान के चलो कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे ऑलमोस्ट पिछला एक पूरा ईयर ही कवर कर लिया जाएगा। बिल्कुल हमको ये चीज़ पता है कि जो 11th और 12th मंथ होंगे उनकी इंपॉर्टेंस शायद इतनी ज़्यादा ना हो, मिडिल मंथ्स की इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा होगी, एग्जाम से पिछले मंथ्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी। तो स्टूडेंट्स वो मैं अपने एंड पे स्ट्रक्चरिंग कर रहा हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आपको किस तरह से पूछने। ठीक है, जब तक हमारे और सेशन, जैसे अभी तो सेशन टू है, हम अपने सेशंस बढ़ाते रहेंगे, स्ट्रक्चरिंग को मैं इम्प्रूव करता चलूंगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिसलेनियस न्यूज एंड इवेंट्स के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है रिसेंटली एक बहुत ही यूनिक इंफॉर्मेशन बताई गई, जो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स है ना उनके नंबर ऑफ मून्स को अपडेट किया गया। जैसे आपको पता है अर्थ में तो एक ही नेचुरल सैटेलाइट है मून, ऐसे ही बाकी प्लैनेट्स जो हैं उसमें भी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, वो उनके मून्स हैं। तो रीसेंट जो इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट के द्वारा शेयर की गई उसके हिसाब से अब वो कौन सा प्लैनेट बन चुका है जिसके जिसके पास मोस्ट मून्स हैं। अर्थ, अर्थ तो इसका आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ एक है मार्स। अब आप मार्स के बारे में आप बताओ क्या मार्स पे मून्स हैं तो कितने हैं, सैटर्न या जुपिटर? अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो रिसेंटली साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था कि वो कौन सा प्लैनेट बन चुका है जिसके मोस्ट नंबर ऑफ मून्स। ये ना थोड़ा सा एक आप कह सकते हो थोड़ा सा पुराना डाटा आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि अर्थ
जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून के मून्स के बारे में। यहाँ से अगर आप सोचो कि यहाँ से आपको आंसर मिले तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या है ना, आप लोग स्टूडेंट्स लाइव चैट में अटेम्प्ट बिल्कुल करते रहो, मैं रेगुलरली आपकी जो लाइव चैट है उसको देख रहा हूँ। ठीक है, तो इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है असल में जुपिटर। जुपिटर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो जुपिटर ने बीट किया है सैटर्न को, और अब जुपिटर वो प्लैनेट है जिसके पास मून सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अगर हम देखें अब इन्होंने मतलब इन्होंने क्या बोला है, जुपिटर के अब टोटल मून्स कर दिए हैं इन्होंने 92 और सैटर्न के हैं 83। जुपिटर के 12 और मून्स बढ़ा दिए। आप सोचोगे कि ऐसे कैसे बढ़ा दिए, क्या इनको पहले पता है? चला देखो, प्लैनेट का साइज बहुत बड़ा होता है, उसके मुकाबले जो उसकी नेचुरल सैटर जिसको मून कह रहे हैं उसका साइज बहुत छोटा है। ठीक है, और आपको सुन से एक इंफॉर्मेशन ये भी समझनी पड़ेगी कि अब मान लो एक प्लैनेट है, उसके आसपास बहुत सारे मून्स ऑर्बिट कर रहे हैं। अब कई बार कंफ्यूजन भी हो जाती है, मतलब काउंटिंग के टाइम पे एक मून मतलब दो मून आपस में बहुत ही सिमिलर लग रहे हैं, कई बार बहुत लंबे टाइम तक आपको मून दिख नहीं पाता, वो प्लैनेट के पीछे चले जाते हैं, आप समझ रहे हो? तो इतना आसान नहीं होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है एक। वैसे तो आई होप आपको ये सबको अच्छे से पता है, ठीक है, कि इन ऑर्डर क्या होता है, मतलब सोलर सिस्टम का मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर आती है एस्ट्रॉयड बेल्ट, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और उसके बाद फिर क्यूपर बेल्ट आ जाती है, और उसके बाद आपको पता है जो प्लूटो है, प्लूटो मतलब ऐसा नहीं कहीं खत्म हो गया है, आज भी वो सोलर सिस्टम है, बस प्लैनेट बनने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा, मतलब अब जो अपडेटेड रिक्वायरमेंट्स है उसको प्लूटो नहीं पूरा कर पाया, इसलिए अब प्लूटो को एक प्लैनेट नहीं बुलाया जाता। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में लगा और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आपको समझ में लगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है एक युवा संगम कर इनिशिएटिव है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया था। इस युवा संगम इनिशिएटिव में ना रिलेशन स्ट्रांग करने हैं, किसके बीच में, क्या ये रिलेशन स्ट्रांग करने हैं, इंडिया एज अ कंट्री और साउथ इंडिया के यूथ के बीच में, क्या इस इनिशिएटिव के अंदर रिलेशन स्ट्रांग करने हैं इंडिया एज अ कंट्री श्रीलंका के यूथ के बीच में, क्या यहां पर रिलेशनशिप स्ट्रांग करना है इंडिया एज अ कंट्री या फिर यूथ ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, या इंडिया एज द कंट्री एंड द यूथ ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो आपको समझाना है कहाँ का यूथ टारगेट किया जाएगा, कहाँ के यूथ के रिलेशन इंडिया एज अ कंट्री के साथ स्ट्रांग किए जाएंगे अंडर द इनिशिएटिव युवा संगम। अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो। तो युवा संगम के अंदर कहाँ के यूथ का जो रिलेशन है वो कंट्री के साथ और स्ट्रांग किया जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, इसमें ना इसमें श्रीलंका आंसर नहीं हो सकता। अब श्रीलंका के यूथ के साथ इंडिया के रिलेशन स्ट्रांग करके मतलब क्या ही मिलेगा, ज्यादा कुछ ज्यादा अचीवमेंट तो नहीं होगी। बिल्कुल सही आंसर क्या स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो यूथ है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का यूथ अपनी कंट्री को और अच्छे से समझ पाए, जान पाए, अपनी कंट्री के साथ एक अच्छा रिलेशन रख पाए, ये मेन मोटिव है इस इनिशिएटिव का युवा संगम। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, आपको ये भी कई लोगों को मतलब इसके बारे में आइडिया नहीं होता है कि इंडिया के अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, तो उन्होंने लॉन्च किया युवा संगम पोर्टल को, इसका मेन फोकस होगा स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है उनका कंट्री के साथ बॉन्डिंग रिलेशन को और स्ट्रांग करना। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप समझ पाए कि इस इनिशिएटिव का, गवर्नमेंट इनिशिएटिव का मेन मोटिव क्या है। ठीक है, ठीक है, चलो आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप में से कोई अटेम्प्ट कर पाए कि एक कोई इनिशिएटिव के बारे में जानना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, कौन सा इनिशिएटिव पूछो आपसे। ठीक है, अगर आप में से कोई बता सके कि हमारी कंट्री में पिछले कुछ टाइम से खासकर कोविड के बाद मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग करने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, उसमें सरकार कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग करने पे मतलब टारगेट के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करने पे इंसेंटिव्स देती है, किस स्कीम की मैं बात कर रहा हूँ, कोशिश करो अटेम्प्ट करने की, इजी क्वेश्चन है। कोविड के बाद वो स्कीम बहुत न्यूज में रही, स्कीम बोलो या इनिशिएटिव बोलो जो भी बोलो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप में से किसी ने इसका आंसर अटेम्प्ट किया है PLI, तो आप बिल्कुल सही हो, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। अगर सरकार के टारगेट्स के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो सरकार अलग से इंसेंटिव देगी, मतलब प्रोडक्ट बेच के तो प्रॉफिट कमाओ, इंसेंटिव और कमाओ। इसमें हमने सेमीकंडक्टर सेक्टर को कवर किया, हमने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, हमने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, अब तो ड्रोन्स, बहुत सारी चीजें कवर की PLI के अंदर। बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अच्छा क्वेश्चन, बहुत यूनिक क्वेश्चन है. फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने इंडिया के लिए एक ओलंपिक मेडल जीता. आज इंडिया में बैडमिंटन स्पोर्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे से इंडिया में बैडमिंटन को अप्रिशिएट किया जाता है, खेला जाता है स्कूल कॉलेजेस वेरियस जगहों पे. पर फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने एक ओलंपिक मेडल जीता, क्या परुपल्ली कश्यप इस क्वेश्चन का सही आंसर है, पीवी सिंधु इस क्वेश्चन का सही आंसर है, प्रकाश पादुकोण या सायना नेहवाल? थोड़ा सा सुन, ध्यान से सोचना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा. तो फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने असल में पहला ओलंपिक मेडल जीता इंडिया के लिए, ठीक है, मैं आपको ये बताता हूं, जो पहला मेडल था ना सुन, वो ब्रॉन्ज मेडल था, ठीक है. तो इसका सुन जो बिल्कुल सही आंसर है वो है असल में सायना नेहवाल जी. हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पीवी सिंधु जी का नाम लिया हो, पर सायना नेहवाल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है. 2012 लंदन ओलंपिक्स में सुन से एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, बाद में पीवी सिंधु ने सिल्वर ब्रॉन्ज दोनों जीते, वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पर पहला मेडल जो हमने जीता था इन दी फील्ड ऑफ बैडमिंटन वो था सायना नेहवाल जी का. एक और इससे क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, आज तक सिर्फ दो ही ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है जो इंडिया के लिए ओलंपिक्स में इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, उन दोनों के नाम बताओ. एक तो बिल्कुल रिसेंट आपको पता है, एक थोड़ा वो पहले जीते थे. तो सिर्फ दो ही ऐसे लोग हैं जो आज तक इंडिया के लिए इंडिविजुअली, मतलब पूरी टीम नहीं थी, एक इंसान इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीते हैं. तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो, एक तो नीरज चोपड़ा जी, ठीक है, उन्होंने जीता टोक्यो ओलंपिक्स में, और एक अभिनव बिंद्रा जी, उन्होंने जीता बीजिंग ओलंपिक्स में, ठीक है. तो 2020 जो हुआ 2021 में, वैसे 2020 का ओलंपिक्स था, और एक 2008, ठीक है, ये लंदन से पहले हुआ था, ठीक है. इंपॉर्टेंट डेट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यूएन डे, यूनाइटेड नेशन डे. जैसा आपको पता है वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो 1914 से 18 के बीच में हुई थी, दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था लीग ऑफ नेशन. पर ये जो स्टूडेंट्स लीग ऑफ नेशन थी ना, ये वॉर, मतलब लग नहीं रहा था ये बहुत अच्छे से काम कर पाएगी, और वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत होगी तो लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर टू रोक ही नहीं पाई. 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर टू चली. अब वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने के बाद जब पूछा गया लीग ऑफ नेशंस को कि क्यों नहीं रोक पाए तुम वर्ल्ड वॉर, तो उन्होंने बोला हमको तो पावर ही नहीं थी, ऑपरेशनल पावर ही बहुत स्ट्रांग नहीं थी. फिर इनको लीग ऑफ नेशंस खत्म करके बनाया गया यूनाइटेड नेशंस. अब आप कह सकते हो कहीं ना कहीं कि जो है ना यूनाइटेड नेशन डे, ये एग्जैक्टली वो डेट थी जब यूएन की शुरुआत की गई थी. तो यूएन डे क्या 10th ऑफ फेब को होता है, 24th ऑफ अक्टूबर, 22nd ऑफ जनवरी या 10th ऑफ नवंबर, इनमें से वो कौन सी डेट है जब दुनिया में यूनाइटेड नेशंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करने की. वो कौन सी डेट है जब यूनाइटेड नेशंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, 10th ऑफ फेब, 24th ऑफ अक्टूबर, 22nd ऑफ जनवरी या फिर 10th ऑफ नवंबर? ठीक है, बिल्कुल सुन सही आंसर है, काफी सारे लोगों ने बिल्कुल सही बताया, 24th ऑफ अक्टूबर. तो असल में ऑफिशियल क्रिएशन, ऑफिशियली जो यूएन चार्टर वगैरह सब कुछ बनाया गया था वो हुआ था 24th ऑफ अक्टूबर 1945, ठीक है. तो 1945 से यूएन काम कर रहा है, पर आज यूएन उतना रेलेवेंट नहीं है. आज यूएन बहुत ज्यादा चीजें अचीव नहीं कर पा रहा, यूक्रेन रशिया वॉर में कुछ यूएन ज्यादा नहीं कर पाया, अजरबैजान आर्मेनिया में नहीं कर पाता, इसराइल पैलेस्तीन में नहीं कर पाता, क्योंकि यूनाइटेड नेशन है ना स्टूडेंट्स अपने आप को अच्छे से अपग्रेड नहीं किया. ये बहुत बड़ी कमी रहेगी यूएन की. जैसे लाइफ में हम भी तो चीज़ों को, मतलब छोड़ो लाइफ छोड़ो, मोबाइल में ऐप्स भी तो टाइम टू टाइम अपडेट करने की जरूरत पड़ती है. यूएन ने अपने आप को इतने सालों से अपडेट नहीं किया, इसलिए आज यूएन रेलेवेंट ही नहीं रहा. आज कोई इसकी ज्यादा रेलेवेंस है ही नहीं दुनिया में. ठीक है, आगे चलते हैं. ठीक है, ये ना सुन थोड़ा सा एक, आप कह सकते हो कि थोड़ा इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया, पर एक मैं पूछना चाह रहा था, अच्छा क्वेश्चन लगा. जैसे आपको बताए जो इन्फ्लेशन होती है ना वो दो लेवल्स पे होती है, ठीक है, CPI और WPI. एक होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होती है होलसेल प्राइस इंडेक्स. ठीक है, कि एक महंगाई जो हम लोग कंज्यूमर फेस करते हैं, एक जो होलसेलर्स फेस करते हैं. सवाल ये है कि जो जो महंगाई का डाटा आता है, इन्फ्लेशन का डाटा, इसकी फ्रिक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, क्या ये हर हफ्ते निकाला जाता है महंगाई का डाटा, हर महीने, क्या साल में सिर्फ एक बार महंगाई का डाटा आता है, बाय मंथली, मतलब दो महीने में एक बार? अच्छा क्वेश्चन है कि ये जो साल का, ये जो इन्फ्लेशन, चलो यहां इन्होंने होलसेल प्राइस इंडेक्स कर लिया, वैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारे लिए होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेलर्स के लिए होता है, अगर उनका बढ़ेगा तो हमारा भी बढ़ जाता है. ठीक है, तो ये जो इन्फ्लेशन को लेकर डाटा है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर या फिर बाय मंथली? तो इसका स्टूडेंट्स बहुत सारे लोग बिल्कुल सही अटेम्प्ट करेंगे, बिल्कुल सही आंसर है हर मंथ.
क्योंकि अगर आप देरी से निकाल लोगे और कहीं उस टाइम पे महंगाई बढ़ गई तो आपको तो पता नहीं चलेगा, आप उस पर एक्शन कब लोगे, आप समझ रहे। इसलिए जल्दी जल्दी डाटा निकलना जरूरी है, ठीक है। आप देखते भी होंगे, न्यूज चैनल्स वगैरह भी इसको कवर करते हैं। एक और क्वेश्चन क्वेश्चन है कलिंगा प्राइस। कलिंगा प्राइज एक अवार्ड है किस फील्ड में दिए जाने वाला, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, साइंस और जर्नलिज्म। जैसे आपको ये पता होगा कलिंगा, ये जो नाम है इंडिया की एक स्टेट उड़ीसा से जुड़ता है, बिल्कुल। और जो प्राइज है उसकी शुरुआत भी इंडिया की उस स्टेट उड़ीसा से ही की गई है। पर क्वेश्चन है कि कलिंगा प्राइज किस फील्ड का अवार्ड है। वैसे अब ये ग्लोबल अवार्ड बन चुका है, क्या इसको इकोनॉमिक्स की फील्ड में दिया जाता है, स्पोर्ट्स की फील्ड में, साइंस की फील्ड में, या फिर जर्नलिज्म की फील्ड में। अच्छा क्वेश्चन है कलिंगा अवार्ड। तो स्टूडेंट, जो कलिंगा प्राइज है ना, ये काफी बड़ा अवार्ड है ऑफ द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस की फील्ड का काफी बड़ा अवार्ड है, ठीक है। तो कलिंगा प्राइज रिवॉर्ड्स द एक्सेप्शनल एफर्ट ऑफ अ पर्सन, ठीक है, जो कि अपना करियर रखते हैं, लेक्चरर, रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, ठीक है। मतलब इन द एंड आपको साइंस रिसर्च से आके जुड़ना होता है, आप किसी भी तरह से साइंस और रिसर्च से जुड़े आपको ये अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर समझ लगा। देखो ये यूनेस्को का आर्टिकल है, इससे आप ये समझ सकते हो कि ये जो अवार्ड है अब ये सिर्फ ऐसे एक कंट्री या रीजन तक सीमित नहीं, एक ग्लोबल अवार्ड बन चुका है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, जो कि स्टूडेंट्स क्या है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ना, वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट की इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी। जैसे क्रिकेट में इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है आईसीसी, और इंडिया में नेशनल गवर्निंग बॉडी है बीसीसीआई, ठीक है। इसी तरह से वेट लिफ्टिंग में इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी के बारे में आपसे पूछा जाता है, पूछा जा रहा है इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी के बारे में कि इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर। मैं आपसे एक और वैसे एक सवाल याद आ रहा है, आईएसएसएफ, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, बड़ी बार पूछा गया स्टूडेंट इस पर्टिकुलर के बारे में। शूटिंग इवेंट्स का जो रेगुलेटर है आईएसएसएफ, इसके हेडक्वार्टर्स भी अगर आप में से कोई बता सके किस शहर किस कंट्री में, दो आपने आंसर करने हैं। एक तो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, एक इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। वेट लिफ्टिंग का तो चलो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होता है स्टूडेंट्स स्विट्जरलैंड का शहर लोजैन, ठीक है। तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन लोजैन स्विट्जरलैंड, 1905 में इसको बनाया गया था, ठीक है। अब अगर बात करें इंटरनेशनल आईएसएसएफ शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के बारे में, तो उसका स्टूडेंट्स हेडक्वार्टर्स है जर्मनी के शहर म्यूनिक में, ठीक है, जर्मनी के शहर म्यूनिक में, बिल्कुल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कौन सा शहर है इंडिया का जिसको मिलने जा रहा है इंडिया का लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क। जैसे आप देखते हो ना कि वो AQA आता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, की PM2.5 लेवल्स कितने हैं, PM10, PM100, PM होता है पर्टिकुलेटेड मैटर, ठीक है, कि हवा में जो पॉल्यूटेंट है उसका 2.5 मतलब सबसे थिन पॉल्यूटेंट कितना ज़्यादा है, जो हमारी बॉडी भी नहीं रोक सकती, सीधे हमारी चेस्ट में चला आता है, 10 का लेवल कितना है। तो ऐसा ही एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क इंडिया के किस शहर में बहुत बड़े स्केल पे इंस्टॉल किया जाएगा, कानपुर, पलवल, आगरा या फिर मुंबई। अच्छा क्वेश्चन है, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क सिस्टम, अभी तो देखो मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद पता लगेगा कि अच्छा इस रीजन में शहर के इस जगह पोल्यूशन ज़्यादा कम है, उसके बेसिस पे काम किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये मिल रहा है इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को। आप सोचोगे कि मुंबई तो कोस्टल सिटी है, वहां तो इतनी पोल्यूशन की दिक्कत नहीं होती, नहीं होती। पर स्टूडेंट्स मुंबई एक सुपर सिटी भी तो है, इतना कुछ हो रहा है, इतनी कार, इतने लोग, बिल्कुल वहां पर बहुत जगह पे पोल्यूशन लेवल्स बढ़े हुए हैं, ठीक है। लार्जेस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क इंडिया का इंस्टॉल किया जाएगा इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में, BMC जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, बिरन मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उनको ये जो प्रोजेक्ट है इसको पूरा आप कह लो उसको ऑपरेशनलाइज करना है, इसको चलाना है, ठीक है। ठीक है, अगर आप में से स्टूडेंट्स कोई बता सके ये जो सीलिंग है इसका नाम क्या है, ठीक है, बहुत सारी मूवीज में आप इस सीलिंग के बारे में देख सकते हो, तो इस सीलिंग का एक नाम है, असल में क्या नाम दिया गया। तो आई होप आपको पता होगा स्टूडेंट्स, ये बांद्रा वर्ली सीलिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है ये मुंबई के जो लोकल्स हैं उनके लिए ट्रैवलिंग के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा GI, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैक्स, आपको पता है ऐसी चीजों को GI टैग दिया जाता है जो चीज जो प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर रीजन से आए, जैसे दार्जिलिंग की चाय, मणिपुर का ब्लैक राइस, नॉर्थ का बासमती, नागपुर का ऑरेंज, आप समझ रहे, जो चीजें एक पर्टिकुलर रीजन की तरफ डायरेक्ट करिए कि मैं उस ज्योग्राफिकल लैंड से आया हूं, ठीक है। तो रिसेंटली
मरायूर, मरायूर नाम से एक जीआई टैग दिया गया है। मैं आपको बता देता हूं, ये दिया गया टू द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है केरला। ये जो मरायूर है ये है क्या, क्या ये कोई कैटल की ब्रीड है, क्या ये जैगरी है, हैंडीक्राफ्ट है, या कोई टाइप ऑफ पेंटिंग? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जीआई टैग पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो मरायूर है रिसेंटली न्यूज में था, इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला हुआ, ये किस चीज की वैरायटी है, कैटल ब्रीड, जैगरी, हैंडीक्राफ्ट या फिर पेंटिंग? कोशिश करो। तो स्टूडेंट्स मरायूर पता है क्या है, असल में ये अ टाइप ऑफ जैगरी है, जो वो गुड़ होता है ना, ठीक है, पर इसको हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो विच इज नोन फॉर इज हाई क्वालिटी यूनिक हेल्थ बेनिफिट, इसके लिए बहुत फेमस है। और मतलब यहाँ वैसे आप देख सकते हो कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट, वैसे केरला, केरला का ये जीआई टैग है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। जीआई टैग्स आपको पता होने चाहिए, मैंने कुछ आपको जीआई टैग्स बता भी दिए। जीआई होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, ठीक है, आगे चलते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, इसको जल्दी खत्म करते हैं। दुनिया में एक शहर है हानोई, किस कंट्री की कैपिटल? वियतनाम, कैनेडा, यमन, लाओस। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप इसको आप जल्दी से अटेम्प्ट करोगे। स्टूडेंट्स वियतनाम असल में कैपिटल है, सॉरी हानोई कैपिटल है वियतनाम की। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को हमेशा एक डाउट रहा होगा कि वियतनाम में एक वॉर हुई थी, यूएसए के लड़ने गया था। असल में ना वियतनाम की वॉर में कम्युनिस्ट लोग यहाँ कम्युनिज्म फैलाना चाहते थे नॉर्थ में, और एक टाइम था यूएसए कम्युनिज्म के अगेंस्ट था, जहां भी कम्युनिस्ट आते थे यूएसए लड़ने चला जाता था, तो वो वियतनाम की वॉर में आए थे। नॉर्थ वर्सेज साउथ था, यूएसए साउथ वालों के साथ था, पर फिर भी इन द एंड नॉर्थ जीता। यूएसए को मतलब इतना नुकसान हुआ, उनको वॉर छोड़ के यहां से जाना पड़ा, ठीक है। तो वियतनाम की कैपिटल है हानोई, इनकी करेंसी होती है वियतनामीज़ डोंग। आगे चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिसलेनियस न्यूज और इवेंट्स के ऊपर जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर खत्म कर लिए, अब हम चलते हैं नेशनल न्यूज और इवेंट्स सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोशिश करो इसको अटेम्प्ट करने की, वो कौन सी स्टेट है जो सेटअप करेगी ग्रीन हाइड्रोजन हब्स अगले 2 साल में? देखो हाइड्रोजन को एक फ्यूल की तरह यूज किया जाएगा इंडिया में, नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी ने भी हमको ये बताया, ग्रीन हाइड्रोजन हब्स भी हमको ये बता रहे हैं, पर हाइड्रोजन में ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? तो हाइड्रोजन बनाने के लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये जो इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन बनाई जा रही है वो किसी रिन्यूएबल प्रोजेक्ट से आ रही है, सोलर विंड से, तो वो बन जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन। तो जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसमें भी हम जो बिजली यूज करेंगे हाइड्रोजन बनाने के लिए, वो आएगी किसी सोलर या विंड प्रोजेक्ट से, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट से, और ये भी वही कंसेप्ट है। ऐसा कौन सी स्टेट लेकर आएगी ग्रीन हाइड्रोजन हब्स? उड़ीसा, असम, कर्नाटका, केरला, कोशिश करो। बिल्कुल स्टूडेंट्स, बिल्कुल, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है, तो जो केरला स्टेट है, केरला स्टेट असल में उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो सेटअप करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन हब। असल में इंडिया को फ्यूचर में हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह बहुत यूज करना है अभी से, और सिर्फ अपने लिए नहीं दुनिया में भी एक्सपोर्ट करने के लिए हम हाइड्रोजन में एक बहुत स्ट्रांग प्लेयर बनना चाहते हैं। सरकार ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शायद 20,000 करोड़ के आसपास की, मतलब हाँ, इतनी अनाउंसमेंट की कि इतने में हम अभी रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन के जो हब्स हैं वो बनाने शुरू कर देंगे। तो नेशनल लेवल पे भी पॉलिसी चल रही है, स्टेट भी अपने हिसाब से चला रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है रिसेंटली महाराष्ट्र को नए गवर्नर मिले, भगत सिंह कोश्यारी की जगह जो नए गवर्नर महाराष्ट्र में अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, आपको पता है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, क्या इनका नाम है? गुलाबचंद कटारिया, आचार्य देवव्रत, रमेश बैस या फिर सीपी राधाकृष्ण? तो इलेक्शंस के दौरान, इलेक्शंस के बाद, या फिर स्टेट में अगर सिचुएशन ठीक नहीं उस टाइम पे गवर्नर रोल बहुत ज़्यादा होता है विधानसभाओं के सेशन के दौरान। तो महाराष्ट्र वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया की, महाराष्ट्र के नए गवर्नर, तो भगत सिंह कोश्यारी की रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ली गई है प्रेसिडेंट के द्वारा, अब महाराष्ट्र के नए गवर्नर हैं रमेश बैंस, ठीक है। तो रमेश बैंस बन चुके हैं न्यू गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, भगत सिंह कोश्यारी का रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। जो रोल प्रेसिडेंट नेशनल लेवल पे निभाएंगे कहीं ना कहीं वही रोल गवर्नर स्टेट लेवल पे निभाएंगे, कहीं ना कहीं वही रोल लेफ्टिनेंट गवर्नर यूटी लेवल पे निभाएंगे, ठीक है। कहीं उनका काम ये है, नेशनल लेवल पे प्रेसिडेंट देखते हैं कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन चले, स्टेट लेवल पे गवर्नर और यूटी लेवल पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। आगे चलते हैं, इंडिया को मिलने जा रहा है फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर, किस शहर में बनेगा हमारी कंट्री का फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर? इंडिया में इस टाइम पे स्टूडेंट्स 10 से ज्यादा ऐसे शहर है जहां मेट्रो चल रही है, और अगले कुछ सालों में 10 से ज्यादा और ऐसे शहर ऐड हो जाएंगे जहां मेट्रो चलनी शुरू हो जाएगी, मतलब या तो वहां काम चल रहा है या प्रोजेक्ट आ चुका है। तो मेट्रो नेटवर्क में तो इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर इंडिया में किस शहर में बनेगा? एक और क्वेश्चन मुझे इससे याद आ रहा है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, इंडिया हमारी कंट्री में किनको बुलाया जाता है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, वो बाद में पॉलिटिक्स में भी आ गए थे। दो क्वेश्चन,
तो पहले तो फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर स्टूडेंट्स इंडिया में बन रहा है उस शहर में जहां सबसे बड़ा नेटवर्क है मेट्रो का, जो कि है नेशनल कैपिटल। तो डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन जो है वो बनवा रही है फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर इन दिल्ली। और स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में मेट्रो मैन ऑफ इंडिया है ई श्रीधरन, ठीक है। तो उन्होंने दिल्ली मेट्रो में काम किया है, कोची मेट्रो में काम किया, फिर उन्होंने बीजेपी की तरफ से केरला में इलेक्शंस भी लड़े, ठीक है, ई श्रीधरन जी, ठीक है। आगे चलते हैं। रिसेंटली इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जहां पर एक एंटी कॉपिंग लॉ फोर्स में आ चुका है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जो एग्जाम में चीटिंग की या करवाई जाती है, ठीक है, बड़े बड़े आप कह लो तो ग्रुप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसका एक बिजनेस बनाया जाता है, उसको रोकने के लिए पर्टिकुलरली अभी तो एक स्टेट इसको लेकर आई है। सोचो स्टेट पे इतना प्रेशर था कि वो लोग अपनी विधानसभा के पास जाके भी एक स्पेशल सेशन नहीं रखवा पाए, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस का इस्तेमाल किया। ऑर्डिनेंस आपको पता ना, जो छोटे आप कह लो शॉर्ट टर्म के लिए एक लॉ को लेकर आते हैं, उसको बाद में पास कराना पड़ता है, नेशनल लेवल पे भी आते हैं ऑर्डिनेंस, स्टेट लेवल पे भी, ठीक है। तो एक ऑर्डिनेंस यूज किया इस स्टेट ने, और बिल्कुल सिक्किम त्रिपुरा उत्तराखंड और तेलंगाना में से बिल्कुल सही आंसर है, पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार उत्तराखंड में जो है उनके द्वारा इस ऑर्डिनेंस को लेकर आए। तो आप देख सकते हो सीएम ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो पिछले कुछ टाइम में एग्जाम्स हुए और ये स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए, उसमें जो चीटिंग्स हुई, जो एग्जाम के लीक हुए, उसको लेकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे। तो उन स्टूडेंट्स की जो आप कह लो प्रोटेस्ट खत्म करने के लिए जो अपडेट है, ये जो स्टेट की सरकार है उसने यहाँ पर अनाउंस कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। वो कौन सी एयरलाइन है इंडिया में जो 220 बोइंग, तो यूएसए की बहुत बड़ी कंपनी है बोइंग, बोइंग से 220 प्लेन्स खरीदेगी, $34 बिलियन का खर्चा किया जाएगा। तो पता है कितनी अमाउंट बनी, $34 बिलियन के आसपास, तो $1 बिलियन 8,000 करोड़ के आसपास, $10 बिलियन कुछ 85,000 करोड़ के आसपास मान लो, थोड़ा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बना कुछ 3 लाख करोड़ के आसपास की अमाउंट बन गई, ठीक है। और वैसे ये कंपनी ने टोटल कितने खरीदने, टोटल तो इन्होंने 470 के आसपास खरीदने, ठीक है। तो कंपनी का सुन आपको बिल्कुल नाम पता होगा इसका, बिल्कुल जो कंपनी का नाम है वो है एयर इंडिया। और अभी आपको बताऊं मैं, कुछ ही दिनों में इंडिगो इनसे भी बड़ा एक ऑर्डर प्लेस करने जा रहा है, ठीक है। तो 470 एयरबस और बोइंग दो ही कंपनी है दुनिया में ऐसे सिविलियन एयरक्राफ्ट बनाने की, तीसरी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, या एयरबस या बोइंग। तो 470 जो स्टूडेंट्स एयरक्राफ्ट हैं वो असल में यहां पर ऑर्डर किए जाएंगे, ठीक है। तो एयर इंडिया ने दो मेजर डील अनाउंस किए, इसमें जो टोटल खर्चा ये तो $100 बिलियन से भी ज्यादा का, मतलब 8.3 लाख करोड़ से ज्यादा का खर्चा करेगा यहां पर एयर इंडिया, ठीक है। 470 पैसेंजर एयरक्राफ्ट ये लोग खरीदेंगे। एयरबस जो है वो आप कह सकते हैं थोड़ा यूरोप बेस्ड है, बोइंग यूएस बेस्ड है, और इससे इंडिया की सिविल एविएशन मार्केट तो अलग ही लेवल पे चली जाएगी। अगर इंडिगो ने भी ऑर्डर कर दिया वो तो 500 ऑर्डर करना चाहते, तो उनसे एक अलग ही लेवल पे चीजें चली जाएंगी, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि ये डील का साइज कितना बड़ा है। यहां पर थोड़ा ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी हमारी कंट्री में सिविल एविएशन को स्ट्रांग करने के लिए, चाहे नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी हो, उड़े देश का आम नागरिक हो, काफी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी लेकर आती रहती है, ठीक है। एयरबस बोइंग ये यूएस बेस्ड है, ये यूरोप बेस्ड है, हेडक्वार्टर्स इसके नीदरलैंड्स में, उसके यूएसए में, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते। नमामि गंगे प्रोग्राम जिसको कि लॉन्च किया गया था रिवर गंगा और रिवर गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज उनको रिजुविनेट करने के लिए, क्लीन करने के लिए, अब इस प्रोग्राम का सोचो फेज टू आ रहा है। पर ये सब लॉन्च कब हुआ था, नमामि गंगे प्रोग्राम को लेकर किस साल में आए थे, 11, 14, 15, 17, 2011, 2014, 2015 या 2017, किस ईयर में इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था जिसमें रिवर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटीज डिस्ट्रीब्यूटीज को क्लीन करना है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अब तो इसका फेज टू है, उसमें भी सरकार बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स कर चुकी है, 20,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा सरकार ने अनाउंस ऑलरेडी कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं इसको लेकर आए गए थे तब जब हमारी कंट्री में गवर्नमेंट चेंज हुई थी 2014 में, ठीक है। तो लोकसभा में नेशनल लेवल में कांग्रेस को हराकर या कांग्रेस के अलायंस को हरा के बीजेपी का जो अलायंस है, तो एनडीए ने यूपीए को हरा दिया था, और स्टूडेंट्स तब सरकार चेंज हुई थी। उस साल से हमारी कंट्री में नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, रिवर सर्फेसिंग की जा रही है, पब्लिक अवेयरनेस फैलाई जा रही है, रिवर फ्रंट्स डेवलप किए जा रहे हैं, बहुत सारा काम किया जा रहा है। और अभी स्टूडेंट्स और थोड़ा टाइम लगा क्योंकि प्रोजेक्ट आसान नहीं है। गंगा रिवर बेसिन जो है वो इंडिया के मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से निकलता है, यूपी बिहार वेस्ट बंगाल, बहुत डिफिकल्ट काम है। पर सरकार अब इसको एक फेज टू के थ्रू जो बचा हुआ काम है वो फेज टू के थ्रू कंप्लीट करना चाहती है, ठीक है।
वो कौन सी नवरत्ना कंपनी, तो आपको पता होगा स्टूडेंट सरकारी कंपनियों को महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना के स्टेटस टाइटल्स दिए जाते हैं, महारत्ना उनमें से सबसे बेस्ट है। वो कौन सी नवरत्ना कंपनी है जिसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ। इसमें क्या होगा, इसराइल की टेक्नोलॉजी को यूज करके इंडिया में मिसाइल्स बनाए जाएंगे, इंडिया में बनेंगे। इनका नाम होगा लोरा मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन सिस्टम। तीनों सर्विस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी इनको यूज करने जा रही यूज करेगी। पूछा बड़ा सिंपल जा रहा है कि कौन असल में बनाने जा रहा है इन मिसाइल्स को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड या एनएलसी लिमिटेड। अगर डीआरडीओ कोई मिसाइल सिस्टम पे रिसर्च और डेवलपमेंट करता है, उसकी मास प्रोडक्शन डीआरडीओ खुद कभी नहीं करता है, किसी और को देता है। ज्यादातर वो काम ना स्टूडेंट्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया जाता है। इस केस में भी यही मास प्रोडक्शन करेंगे इस लोरा मिसाइल सिस्टम का, ठीक है? बिल्कुल। चलो आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। एक बहुत फेमस मिसाइल सिस्टम है बराक मिसाइल सिस्टम। बराक ओबामा आपको पता है यूएसए के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनसे वैसे जुड़ता नहीं कुछ भी नाम, और बराक नाम से बराक रिवर वैली आपको असम के पास मिलेगी, तो इन दोनों चीज़ों से कोई रिलेशन नहीं, वो तो चलो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। ये जो बराक मिसाइल सिस्टम इंडिया यूज़ करता है, ये किस कंट्री से, हम लोग किस कंट्री के साथ मिलकर कलेबरेट किया हमने बराक सिस्टम बनाने में, ये भी बताओ, ठीक है? कोशिश करो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, इंडिया के वो कौन से एक्टर हैं जिनको रिसेंटली नेशनल एम्बेसडर अनाउंस किया गया है फॉर चाइल्ड राइट्स, किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ तो दुनिया में है ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चाइल्ड राइट्स के लिए काम करती है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ ने किस इंडियन एक्टर को रिसेंटली नेशनल एम्बेसडर अनाउंस कर दिया फॉर चाइल्ड राइट्स। तो आपको ये पहले आंसर बताता हूँ, वो जो बराक मिसाइल सिस्टम है वो इंडिया और इसराइल के बीच में, सेम इसराइल जैसे लोरा सिस्टम, ठीक है? और इसका सही आंसर क्या है, आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार, आमिर खान या सलमान खान। तो आई होप बहुत सारे लोग बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट्स आयुष्मान खुराना, ठीक है? तो यूनिसेफ इंडिया के ने अनाउंस किया है आयुष्मान खुराना को एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ चाइल्ड राइट्स इन इंडिया, ठीक है? आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी थर्ड और लास्ट कैटेगरी, हमने मिसलेनियस कर लिया, नेशनल कर लिया, अब हम करते हैं ग्लोबल न्यूज एंड इवेंट्स को, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। जैसा आपको पता है एक कंपनी है ओपन एआई, उनका एक प्रोडक्ट है चैट जीपीटी, जो कि एक जैसे गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा सीरी ये सब होते हैं ना, ऐसा ही है वो भी असिस्टेंट, पर वो बहुत स्मार्ट है और वो वॉइस कमांड नहीं, वो टाइप करता है, लोग उसको बहुत यूज करते हैं। उसका कॉम्पिटिशन लेकर आया है एक एआई चैट बॉट लेकर आया है गूगल। तो गूगल चैट जीपीटी का कॉम्पिटिशन लेकर आया, क्या नाम रखा है उसका, बार्ड, ड्रिफ्ट, हबस्पॉट या वॉटसन असिस्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है, चैट जीपीटी का कॉम्पिटिटर जो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया, बार्ड, ड्रिफ्ट, हबस्पॉट या फिर वॉटसन असिस्टेंट। तो स्टूडेंट्स जो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया इसका नाम है बार्ड, ठीक है? इसका नाम क्या है, बार्ड। तो गूगल ने अपना, आप कह लो अपना राइवल अनाउंस कर दिया है, चैट जीपीटी का जो राइवल होगा उसका नाम होगा बार्ड, ठीक है? सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ। फोर्थ जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज 10 लीग 2023 पिथौरागढ़ उत्तराखंड में रखी गई। इंडिया और किस कंट्री के बीच में इस मिलिट्री एक्सरसाइज को रखा गया, एक छोटा सा हिंट, वैसे एग्जाम में आपको ये हिंट नहीं मिलेंगे पर फिर भी आप इन फ्लैग्स को देखो, क्या ये फ्लैग चाइना, जर्मनी, अमेरिका या उज्बेकिस्तान, किस कंट्री के फ्लैग है, आपको अपना क्लियर आंसर देखने को मिल जाएगा। आई होप आपने अपना आंसर निकाल लिया है। ये पहली तीनों में से किसी कंट्री के फ्लैग नहीं है, तो अगर आपको नहीं पता तो क्या बचा, उज़्बेकिस्तान बचा। चाइना का फ्लैग तो रेड होता है, जर्मनी का होता है ब्लैक, येलो, रेड, यूएसए का होता है हल्का सा रेड और ब्लू। तो ये किसका है फ्लैग, ये है असल में उज़्बेकिस्तान का, ठीक है? तो इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में फोर्थ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 10 लीग जो है इसको रखा गया पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, ठीक है? वो कौन सी सिटी है जहां पर हमारे यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने रिसेंटली फ्लैग ऑफ किया या इनॉग्रेट किया फॉर्मूला ई चैंपियनशिप। तो जैसे आपने सुना ना फॉर्मूला वन, फॉर्मूला ई भी गाड़ियों के रेस है पर इसमें इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ही तेजी से, बहुत ही हाई स्पीड पे रेस करती हैं। तो क्या ये इवेंट था हैदराबाद में, आगरा में, इंदौर में या मुंबई में? तो किस शहर में अनुराग ठाकुर जी ने इस फॉर्मूला ई चैंपियनशिप की को फ्लैग ऑफ किया? आई होप स्टूडेंट्स आप लोग इसको बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर रहे हो, बिल्कुल सही। इसका स्टूडेंट्स क्वेश्चन का आंसर है तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। तो यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी ये हैं और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी, अनुराग ठाकुर। फ्लैग ऑफ किया फॉर्मूला ई चैंपियनशिप इन हैदराबाद, ठीक है? आईएमएफ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आजकल पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में बहुत सिचुएशन चल रही है, पाकिस्तान बहुत बड़ा लोन चाहता है आईएमएफ से,
पूछा बड़ा सिंपल जा रहा है, इतना कुछ कि आईएमएफ का काम है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सब कुछ लिखा हुआ है, इन द एंड ये पूछा गया है आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स काम। तो एक बहुत ही बड़ी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स लंदन, वियना, वॉशिंगटन डीसी या फिर न्यूयॉर्क। अच्छा क्वेश्चन है, जहां आईएमएफ है वही वर्ल्ड बैंक के भी हेडक्वार्टर्स, ठीक है, अगर आपको वर्ल्ड बैंक के पता है आपको आईएमएफ के भी पता लग जाएंगे। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, हेडक्वार्टर्स है आईएमएफ के यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में। तो 1945 आईएमएफ को बनाया गया था, ये भी यूएन के साथ मिलकर ही काम करता है, हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो कि दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन उसका आधा यूज, सोचो एक कॉन्टिनेंट आधा बाकी छह आधा, ऐसा 2025 में होना लग जाएगा क्या? अमेरिका, चलो अमेरिका में आप नॉर्थ अमेरिका मान लो, नॉर्थ अमेरिका दोनों मान लो, नॉर्थ प्लस साउथ भी मान लो, क्या नॉर्थ प्लस साउथ अमेरिका इतने नहीं, क्या एशिया देखते हैं, अफ्रीका नहीं, यूरोप नहीं, यूरोप में तो पॉपुलेशन ही है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल आंसर बनता है सिर्फ और सिर्फ एशिया, 2025 में दुनिया में जितनी भी बिजली की प्रोडक्शन हो रही होगी उसका आधा एशिया यूज़ करेगा, बाकी के छः बची हुई आधा, आप समझ रहे हो कितनी एशिया की जो पावर है, दुनिया के सबसे स्ट्रांग इकॉनमी एशियन कॉन्टिनेंट की, सबसे ज़्यादा लोग एशिया में, सबसे ज़्यादा ग्रोथ एशिया में, तो एशिया जो है दुनिया को लीड करेगा अगले काफ़ी सालों तक, ठीक है। तो एशिया सेट टू यूज हाफ ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी बाय 2025, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट थी, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की इस क्लास में हमने सेशन टू को भी कंप्लीट किया। आई होप स्टूडेंट्स ये क्लास आपके लिए इंटरेस्टिंग थी, आपने काफ़ी कुछ सीखा, और आई होप हम जो क्वेश्चंस को कैटेगराइज करें आपको समझ में लग रहा है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। पुराने एग्जाम्स में भी आपने नोट किया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही स्टूडेंट्स अपने सेशंस को आगे बढ़ाते रहेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आपको कराता रहूंगा। आपने ध्यान रखना है, आपने क्लासेस को मिस नहीं करना है, कंटिन्यूसली क्लासेस को देखना, और अगर आप क्लास में आए तो स्टूडेंट्स आपके साथ लाइव चैट जरूर अटेम्प्ट करो, बताओ अपना आंसर, आपको क्या लगता है इसका आंसर होगा, कोई डाउट वगैरह तो स्टूडेंट्स आप साथ के साथ अपना डाउट भी पूछ सकते हो। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में सेशन 3 में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।